जानेंगे कॉमन पोजीशन के बारे में, और दूसरा जो बॉडी के हमारे जो मूवमेंट है उनके बारे में, तो बॉडी की कौन कौन से पोजीशन होती है और मूवमेंट होते हैं इन्हीं के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पोजीशन के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में। तो इसमें क्या होगा, जब भी हम स्टडी करेंगे तो ह्यूमन बॉडी को हम एनाटॉमिकल पोजीशन में रखेंगे। तो इसमें पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन में रखेंगे और उसके जो हेड है वो आगे की तरफ फेस करता रहेगा, और जो दोनों आर्म हैं वो नीचे रहेंगे बॉडी के साथ में, और वो उसका जो पाम है वो आगे की तरफ फेस करके रहेगा। तो इस प्रकार से ये रहेगी हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन। जानेंगे मीडियन लाइन के बारे में। तो मीडियन लाइन एक सेंट्रल प्लेन होती है जो कि बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है बराबर पार्ट में। तो ये रहेगा राइट और लेफ्ट पार्ट। तो इसको हम कहेंगे, बीच में से जो लाइन खींच रहे हैं उसको कहेंगे मीडियल लाइन। तो इसमें जो बॉडी है वो लेफ्ट और राइट बराबर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे मीडियल लाइन। अब हम जानेंगे लेटरली और मीडियली क्या होता है। मीडियली साइड में इसके जो पास में रहेगा वो मीडियली कहलाएगा, और इससे दूर जो रहेगा उसको कहेंगे हम लेटरली। अब हम जानेंगे सुपीरियर और इन्फीरियर क्या होता है। तो पेशेंट की या फिर जो भी पर्सन है तो उसकी जस्ट जो बॉडी के हेड के पास में जो रहेगा उसको कहेंगे हम सुपीरियर, और फुट के पास वाले को कहेंगे हम इन्फीरियर, और बॉडी के जस्ट सामने को कहेंगे हम इंटीरियर, और बॉडी के जस्ट पीछे के इसको कहेंगे हम पोस्टीरियर। तो ये हो गया हमारा सुपीरियर, फुट का हो गया इन्फीरियर, बॉडी के जस्ट पास का हो गया एंटीरियर, बॉडी के पीछे का हो गया हमारा पोस्टीरियर। अब हम जानेंगे प्रोक्सिमल और डिस्टल क्या होता है। भी स्ट्रक्चर है तो उसका जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है तो उसको कहेंगे हम प्रोक्सिमल। जैसे ये ह्यूमरस हमारी जो बोन है, तो इसका ये वाला पार्ट हो गया प्रोक्सिमल और ये वाला पार्ट हो गया इसका डिस्टल। ये हमारा रेडियस अल्ना है तो इसका ये वाला पार्ट रहेगा प्रोक्सिमल और ये रहेगा डिस्टल। उसी प्रकार से जो फीमर है तो उसका ओरिजिनेट यहाँ से हुआ है तो ये वाला रहेगा हमारा प्रोक्सिमल पार्ट, और ये नीचे का पार्ट रहेगा हमारा डिस्टल पार्ट। तो ये हो गए हमारे प्रोक्सिमल और डिस्टल। तो जो भी स्किन के पास में रहेगा उसको कहेंगे हम सुपरफिशियल, और स्किन से डीप में जो रहेगा उसको हम कहेंगे डीप। अभी हमने जाना था बॉडी की पोजीशन, तो पोजीशन में हमने जाना था एनाटॉमिकल पोजीशन, फिर जाना हमने सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल, मीडियल और ने डीप और सुपरफिशियल के बारे में। अब हम जानेंगे बॉडी के मूवमेंट के बारे में, वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब हम जानेंगे बॉडी के जो मूवमेंट है उनके बारे में। तो उसमें हम सबसे पहले जानेंगे फ्लेक्जन के बारे में। तो फ्लेक्जन किस प्रकार से करते हैं बॉडी को, उसके बारे में जानेंगे। तो अब हम जानेंगे एक्सटेंशन और फ्लेक्शन के बारे में। तो ये हो गया हमारा फ्लेक्शन और ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन में क्या होता है, जो भी बॉडी का पार्ट है वो बॉडी के पास में आ जाएगा, मीडियल लाइन के पास में आ जाएगा, एक्सटेंशन में वो दूर चला जाएगा। अब हम जानेंगे अडक्शन और अबडक्शन के बारे में। ये हो गया हमारा अडक्शन, ये रहेगा हमारा अबडक्शन। तो अबडक्शन में भी जो मीडियल लाइन है उससे जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो दूर चला जाएगा बॉडी पार्ट, और अडक्शन में मीडियल लाइन के पास में आ जाएगा। अब हम जानेंगे रोटेशन के बारे में। तो रोटेशन हमारा रोटेशन, अब रोटेशन में दो प्रकार का रोटेशन होता है, मीडियली रोटेशन और लेटरली रोटेशन। मीडियली रोटेशन में क्या होगा, जो बॉडी का पार्ट है वो अंदर की तरफ मूव करेगा, ये हो गया हमारा मीडियली रोटेशन। और लेटरली रोटेशन में क्या करेंगे, बॉडी पार्ट है वो लेटरली साइड में रोटेट करेगा। तो ये हो गए हमारे टोटल बॉडी के जो मूवमेंट थे वो। तो उसमें हमने जाना फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन, रोटेशन, लेटरली रोटेशन, मीडियली रोटेशन। अब हम जानेंगे अब सरकमडक्शन के बारे में। तो सरकमडक्शन में बॉडी का जो पार्ट है वो पूरा 360 डिग्री पे मूव कर देगा। तो ये हो गया हमारा सरकमडक्शन। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जाना बॉडी के पोजीशन के बारे में और बॉडी के मूवमेंट के बारे में। थैंक यू।